हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैंने ये पैलेट लिया है। मेरा पुराना पैलेट थोड़ा ख़राब हो रहा था इसलिए, और मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इसकी प्लास्टिक थोड़ी ख़राब सी हो रही थी इसलिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है ना, इसमें कलर्स बहुत गंदे हो रहे थे। अब मैंने यहाँ पे ना, वैसे भी मेरा पुराने कलर्स ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे न्यू कलर्स ऑर्डर किए इसी पैलेट के ही साथ। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वॉर्म से कूल कलर्स तक जाऊँगी। मतलब पहले मैं वॉर्म कलर्स रखूँगी सारे, और जैसे ही वो कूल होता जाएगा वो मैं कूल पे रखूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेमन येलो रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो ऑकर रखा, उसके बाद मैंने रोसियाना रखा। अब ऐसे ही मैं सेम ऑरेंज कलर के साथ करूँगी। मैंने यहाँ पे गैम्बुच ह्यूग रखा, उसके बाद मैं परमानेंट ऑरेंज रखूँगी, और सेम प्रोसेस मैं बाकी कलर्स के साथ भी करूँगी। और आप को मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो कलर्स मंगवाए हैं वो 18 शेड्स के हैं। इससे पहले जो मैंने कलर्स लिए थे ना, वो 24 शेड्स वाले थे। तो आप उस पैलेट में भी देख सकते हो कि कितने सारे शेड्स थे, बट इसमें थोड़े कम हैं। और सेम ऐसे ही मैं ग्रीन के साथ भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट से शुरू किया है एमरल्ड ग्रीन, फिर इस पे मैं गई सैप ग्रीन, और फिर मैं विरेडियन ग्रीन पे गई। और ऐसे ही मैं इसके बाद ब्लू रखूँगी। और इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहली बात, जब मैं कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू रखूँगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट ब्लैक नहीं रखती, क्योंकि थोड़ा वो कलर ना मैच लगता है, मतलब समझ नहीं आता कौन सा ब्लू है कौन सा ब्लैक है। तो इसलिए मैं बीच में पहले वाइट रखती हूँ और फिर ब्लैक रखती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं ब्लैक और वाइट यूज़ नहीं करती, तो इसको मैं एकदम लास्ट में रखती हूँ कि अगर मुझे इनकेस कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं कभी वाइट और ब्लैक बहुत कम यूज़ करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय।